हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट में। दोस्तों, आपको जानकर के बहुत अपार हर्ष होगा कि जिस प्रकार से एक लंबे समय से चैनल को यहां पर होल्ड पर रख दिया गया था, दोस्तों वापस से शुरू कर दिया गया है और आपको प्रतिदिन अब हर भर्ती परीक्षा से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी, लाइव सेशन लाए जाएंगे। दोस्तों, आज से चैनल को नए सिरे से उठा लिया गया है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की बड़ी और लेटेस्ट अपडेट की ओर। राजस्थान स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेकर आ रही है बड़ी खबर। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के आवेदन शुरू होने को लेकर के यहां पर बड़ी खबर आ रही है। तो भर्ती में आया नया मोड, जारी हुआ नोटिफिकेशन। चलते हैं यहां पर ऑफिशियल बिंदुवार न्यूज की ओर। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के लिए चलते हैं आपको सीधा अपडेट की ओर और मुखातिब करवाते हैं आज की इस बड़ी और लेटेस्ट खबर से। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बहुत बड़ी अपडेट यहां पर सामने निकल करके आ रही है। ले चलते हैं सीधा न्यूज की ओर। व्याख्याता परीक्षा अब नई शिक्षा नीति के आधार पर होगी। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बिना देर करे ले चलते हैं आपको सीधा न्यूज की ओर। स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2018 की तैयारी करने वालों के लिए अब शिक्षक बनना बहुत कठिन हो गया है। अगले माह लागू हो रही केंद्र की नई शिक्षा के नीति के तहत ही अब व्याख्याता परीक्षा होगी, जिसमें किसी निजी एजेंसी द्वारा आयोजित पहले दो परीक्षा, फिर साक्षात्कार, फिर करीब दो साल तक विद्यालय में अध्ययन और फिर एक मॉक टेस्ट जैसे पांच चरणों से गुजरना पड़ेगा, जो बहुत ही कठिन होगा। केंद्र ने शिक्षक बनने की प्रक्रिया को बहुत जटिल बना दिया है। यह नीति अक्टूबर से देश भर की शिक्षक परीक्षाओं के लिए निकलने वाले विज्ञापनों पर लागू होगी। उधर प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनका कहना है कि अगर सरकार हमारी सुनती है और सितंबर से व्याख्याता परीक्षा के आवेदन शुरू कर देती तो हमारी यह परीक्षा नई शिक्षा नीति के दायरे से बाहर हो जाती है। अभी भी अगर सरकार जल्द आवेदन शुरू करे तो हम इस कठिन प्रक्रिया से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि ये यहां पर जो अगले माह से नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, उसको लेकर के ये जो एक बड़ी संभावना व्यक्त की जा रही है कि अब फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा एक नए प्रक्रिया, नए पाठ्यक्रम यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से पहले दो परीक्षाएं, फिर साक्षात्कार, फिर उसके बाद में आपका कुछ समय यानी कि दो साल के लिए, एक निश्चित समय के लिए आपको किसी विद्यालय में फिक्स पर रखा जाएगा, जो कि आपके एक प्रोबेशन पीरियड के समान होगा। उसके बाद में आपका एक मॉक टेस्ट लिया जाएगा और फिर आपको यहां पर परमानेंट किया जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बहुत ही जटिल प्रक्रिया हो जाएगी, यानी कि आईएएस से भी ज़्यादा जटिल प्रक्रिया यहां पर शिक्षक भर्ती में आपको देखने को मिल सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं कि अगले माह जिस प्रकार से शिक्षा नीति लागू होगी तो प्रत्येक राज्य इसको लागू करने के लिए बाध्य हो सकते हैं। हालांकि शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसमें इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है कि राज्य इसको लागू करने के लिए बाध्य हैं, बल्कि यह कहा जा रहा था कि जो आपके विभिन्न राज्य हैं वो इसमें आंशिक परिवर्तन या पूर्णकालिक परिवर्तन करते हुए इसको अपने स्तर पर लागू करने के लिए छूट उनको दी गई है, ऐसा सुनने में आ रहा था। विभिन्न शिक्षाविद और शिक्षा शास्त्री थे वो इस प्रकार की योजनाओं को बता रहे थे कि यहाँ पर बाध्यता संबंधी कोई यहाँ पर विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं। तो दोस्तों, अब देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात यह होगी कि आगामी माह में जिस प्रकार से शिक्षा नीति सरकार लागू करेगी तो वो विभिन्न राज्यों के लिए किस प्रकार से लागू करने के लिए बाध्य होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होती है दोस्तों, तो फिर यहाँ पर एक थोड़ी सी आपको सुलभ हो सकता है भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने के संबंध में कि आगामी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट के रूप में या आईटेट के रूप में, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, इनमें आपको कुछ रियायत देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, देखते हैं और आगे जो भी अपडेट होगी आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट पर अवगत करा दिया जाएगा। दोस्तों, ये न्यूज आज के न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई है, आप इसके वैधानिकता की पुष्टि कर सकते हैं। राजस्थान पत्रिका में न्यूज प्रकाशित हुई है दोस्तों। तो दोस्तों, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो और अपडेट पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे इस मुद्दे को हाईलाइट किया जा सके और सरकार को इस संदर्भ में उचित निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जिससे कि सरकार शिक्षा नीति, दोस्तों देखो आपको बता देते हैं कि अक्टूबर में चाहे कुछ भी आए नियम, लेकिन हमें यह है कि सरकार आरपीएससी से जल्द सितंबर के अंत तक इस प्रकार की फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के फॉर्म को आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करे, जिससे कि अगर अक्टूबर में वो जो नई प्रक्रिया लागू करने जा रही है सरकार पांच चरणों वाली, अगर उसमें छूट मिलती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
फिर तो सोने पे सुहागा है, और अगर नहीं मिलती है तो हम इस जटिल प्रक्रिया से इस भर्ती परीक्षा को बचा पाएं। तो दोस्तों धन्यवाद, इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट कीजिएगा और इस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने में सहायता प्रदान कीजिए। तो दोस्तों धन्यवाद, एक नई वीडियो, नई अपडेट और नई ऊर्जा के साथ फिर जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों यदि वीडियो अपडेट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास ही में जो बेल आइकन है घंटा का निशान, इसे जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली हर नई भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहे और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाए। दोस्तों आज से चैनल को वापस उठा लिया गया है, आपको प्रत्येक भर्ती परीक्षा से संबंधित अपडेट डेली आपको दी जाएगी। अब प्रतिदिन पूर्व समय की तरह प्रतिदिन 4 से 5 नए नए भर्तियों संबंधित अपडेट्स के वीडियो आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।